दोस्तों, आज मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है बट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। क्वेश्चन ये आता है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रहते हुए की जा सकती है? अगर हाँ तो किन ब्रोकर के साथ में हम ये चीज कर सकते हैं? आज मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात आती है कि क्या इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना अलाउ होता है। बताना चाहता हूँ, RBI खुद अलाउ करता है 7 पेयर्स और आप SEBI अप्रूव्ड ब्रोकर के साथ में इन 7 पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली 100% लीगल होता है, मैं खुद इसको करता हूं। मेरे पास काफी सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल होती है, बट सर आप करते कैसे हो? तो बताना चाहता हूं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, इंडिया में लीगल होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, बट मुद्दा यह है ये इलीगल तब हो जाती है जब आप अपना पैसा इंडिया से बाहर भेजते हो। और हम जब काम करते हैं ज़ीरोधा, आप स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग जो कि इंडिया के ब्रोकर होते हैं, तो वो डेफिनेटली वहां पे वो लीगल होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आती। अब हमें करना क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में जब हम काम करते हैं तो वहां पे 1000-2000 तक पॉइंट तक का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है, बट करेंसी के अंदर ये काफी स्टेबल होता है, दो देशों की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड होता है, तो यहाँ पर काफी स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्लस आपको यहाँ पे काफी अच्छा लीवरेज मिल जाता है। नॉर्मली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 टाइम का लीवरेज मिलता है, बट यहाँ पे आपको 60+ टाइम का लीवरेज मिलता है। आप बहुत ही कम पैसे के साथ में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आप लीवरेजिंग की पावर को यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं ये चीज की कैसे जाती है, किन ब्रोकर्स के साथ में हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली जो यूज करता हूँ वो ज़ीरोधा यूज करता हूँ, आप भी उसको यूज करो, बेस्ट होता है। प्लस आपका पैसा बिल्कुल 100% सेफ रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आती। तो जरा समझ लेते हैं कि कैसे हम ज़ीरोधा के ऊपर जाकर ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जो हमारे स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको। तो चलिए ओपन करते हैं अपना ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट। और ये मैंने अपना ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट ओपन किया। अब ध्यान से समझना इसमें यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें करनी होती है। सबसे पहली बात आती है, आपको आना है अपने वॉचलिस्ट सर्च ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि हम यहाँ पे अभी 4 पेयर्स के अंदर काम करना चाहते हैं। पेयर्स के अंदर ध्यान रखो जो बेस करेंसी होती है वो INR होती है, तो हम यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पेयर्स में काम कर सकते हैं। फर्स्ट होता है USD INR, सेकेंड होता है GBP INR, थर्ड होता है EUR INR, फोर्थ होता है JPY INR। और जो 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं उनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि EUR USD, GBP USD एंड USD JPY, तो इनके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपने ज़ीरोधा के अंदर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ज़ीरोधा टर्मिनल है, ओके, ये कोई फॉरेक्स अकाउंट टर्मिनल नहीं है, ये नॉर्मली ज़ीरोधा अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा वॉचलिस्ट के अंदर और यहाँ पे सर्च करूंगा USD INR। तो USD INR जैसे ही मैं सर्च करूंगा, तो जैसे कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों फ्यूचर्स में काम करते हैं, सो सेम यहाँ पे जब करेंसी में हम काम करते हैं तो वो फ्यूचर्स में ही काम होता है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी की 3 मंथ आगे तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो, बट ध्यान रखो करेंसी के अंदर आप आने वाले 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मिनिमम आप 3-4 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में ही काम करें, ताकि आपकी ट्रेड अगर कोई अपोजिट चली जाती है देन आप उसको मैनेज कर पाएं। यहाँ पर आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं। पहले ऑप्शंस को समझने से पहले फ्यूचर्स को समझते हैं। मान लीजिए मैं मई मंथ में काम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया और क्लिक किया ओके किया। अब आप देखेंगे कि USD INR यहाँ पे ऐड हो चुका है। लाइक अब मैं सेकंड ऐड करना चाहता हूँ GBP INR, तो मैं GBP INR सर्च करूंगा और यहाँ पे भी आप इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी देख सकते हैं और आप इसके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मई मंथ को इसको ऐड कर लेता हूँ। देन थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे EUR INR। अब यहाँ पे आप EUR INR जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे उसके मंथली कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल जो भी होते हैं वो दिख जाएंगे और यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ जो करेंसी हम यहाँ पे करेंसी में काम करने वाले हैं वो JPY INR होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेस करेंसी सबकी INR है, क्योंकि यहाँ पर जो हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो कॉमन सी बात है इंडियन रुपया यहाँ पे इंक्लूड होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बेस करेंसी INR होनी चाहिए। उन पेयर्स के अंदर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब बात आती है काम करना कैसे होता है, ध्यान से समझो। सेम जैसे आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में बाय और सेल का ऑर्डर लगाते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे भी है आपको एक लॉट के रिक्वायरमेंट के लिए केवल 1900 रुपीज़ के फंड की ज़रूरत है, और अगर आप यहाँ पे 100 लॉट में काम करना चाहते हो तो 1,91,000 में आप इजीली काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई है कि कितना ब्रोकरेज, कितने टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं दोस्तों, वो आप आई बटन में देख सकते हो या फिर वीडियो
चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे बाय या सेल भी करके चल सकते हो, जैसी आपकी पर्सनल चॉइस। जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय सेल करते हैं, लाइक वहाँ पे फ्यूचर्स में काम करने का मेन मकसद यही होता है कि हम बाय भी करके चल सके और सेल भी करके चल सके, और इसकी एक एक्सपायरी होती है, उस एक्सपायरी पर ये लाइक इसका कॉन्ट्रैक्ट नॉट बंद हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं, सेम हम चाहें तो इसके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। और ऑप्शंस में काम करने का ध्यान रखो, ऑप्शन बायर 90% चांसेस है कि वो हारेगा, क्योंकि वहां पे उसको टाइम डिके उसके साथ में नहीं होता। बट ऑप्शन सेलर, आप यहां पे ऑप्शन सेलर बन के काम कर सकते हो। कैसे, ध्यान से समझो, वीडियो लंबी हो सकती है बट नॉलेज अगर आपको गेन करनी है तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा तो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। USDNR मई मंथ है, यहां पे अभी इसका प्राइस चल रहा है 77.5450। आप यहां पे क्या कर सकते हो, 78 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। USDINR एंड 78 कॉल को मैं सर्च करूंगा, ऐड करूंगा, तो आप देखोगे इसका अभी प्राइस है 0.2000। अब अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूं तो एक लॉट को बाय करने के लिए मुझे 200 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बट जब मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए अप्रोक्स 1800 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर मैं यहां पे इसको 10 लॉट को शॉर्ट करूंगा तो मुझे 18,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी। अब अगर मुझे ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाता है तो मुझे यहाँ पे टोटल फ़ायदा कितने का होगा, 2,000 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। आई नो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आप चाहें तो इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, मैं यहाँ पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ, नो इशू। बट अभी के लिए ध्यान रखो कि ऑप्शंस में भी काम किया जा सकता है, आप यहाँ पे फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो, आप यहाँ पे हेजिंग स्ट्रेटजीज भी क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी इजी तरीके से पैसा बना सकते हो। यहाँ पे जो मूवमेंट्स होती है वो ऐसे नहीं होती कि आज ये 77 है कल को ये 79 हो जाएगा या फिर 89 हो जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट जो है वो बहुत ही कम होती है। तो इस कारण आप अपना पैसा सेफ रख सकते हो। जैसा कि आपने देखा, एक लॉट को बाय करने के लिए कितना पैसा लगता है, और ये चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, ये डिलीवरी में काम हो रहा है, ये इंट्राडे में काम नहीं करता है। मैं कभी इंट्राडे में काम नहीं करता हूँ, मैं केवल डिलीवरी में वर्क करता हूँ। मैं ट्रेंड फाइंड आउट करता हूँ, डिलीवरी में ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मुझे दिख रही है कि मुझे एग्जिट कर देना चाहिए देन मैं एग्जिट कर देता हूँ, नहीं अभी एग्जिट होने का कंडीशन है तो वहाँ से मैं एग्जिट नहीं करता। तो ये सिंपल से फॉलो करते हुए करेंसी मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैं वहाँ पे प्रॉफिट लॉस वीडियो भी डालता रहता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंडिया में रहते हुए फोरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, इसी को ही दोस्तों फोरेक्स ट्रेडिंग बोला जाता है। और अगर आप इंटरनेशनल पेयर्स में काम करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट मुद्दा यह है कि इंडिया में वो ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस आपका पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपका पैसा इंडियन बैंक्स के अंदर ही जाना चाहिए। कभी भी RBI ने ऐसा नहीं बोला कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, लीगल बात यह है कि आपका पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे OctaFX या फिर काफ़ी सारे ऐसे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं जो इंडिया में बैंक अकाउंट होते हैं उनके, और वो अभी तक ट्रेडिंग करा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने के बाद अगर काम करते हो तो आप काफ़ी इजीली काम कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आप बिना नॉलेज के काम करना चाहोगे तो दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता, विदाउट नॉलेज काम करना नुकसानदायक होता है और आपको भी नुकसान ही होने वाला है। तो आई विश कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंडिया में रहते हुए ज़ीरोधा के अंदर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, क्या चीज़ें की जा सकती है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि फोरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में अलाउ होती है, इनलीगल नहीं होती भाई, ये ज़ीरोधा के अंदर काम किया जा रहा है, सेबी रजिस्टर्ड होता है और आपका पैसा ज़ीरोधा के अकाउंट में पड़ा होता है, नॉट लाइक किसी इंटरनेशनल ब्रोकर। ओके, सो आई विश कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है ना तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा।